हेलो गाइस ये है बहुत ही सॉफ्ट एकदम फ्लावर की तरह स्लीपिंग बैग न्यू बॉर्न बेबी के लिए इसका पच्चीस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो एक बार चेक जरूर करना ये स्लीपिंग बैग्स इन्फेंट्स यानी नवजात बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है आप चाहे कुछ खरीदें या ना ख़रीदें ये स्लीपिंग बैग सबसे पहले ऑर्डर करें अपनी बेबी के लिए बिकॉज़ बेबी जब माँ के वम से बाहर आता है एक्सटर्नल इन्वामेंट में तो उसे ठंड लगने का या फिर कोई इन्फेक्शन लगने का सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं एज पर द डॉक्टर इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे की सेफ्टी को लेकर आजकल स्लीपिंग बैग्स डिज़ाइन किए गए हैं ये बैग्स 100% परसेंट कॉटन के बने होते हैं इस बैग को आप आराम से कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं ये बैग्स बच्चे को अंदर से वार्म रखते हैं कंफर्टेबल रखते हैं इवन इन एसी, बिकॉज कितनी जगह हम जाते हैं वहाँ एसी लगा होता है अब बच्चे को कैसे हम उसको वार्म करें तो ये स्लीपिंग बैग उस वक्त काम आएगा ये बैग्स लाइट वेट है जब आप डॉक्टर विजिट के लिए जाए डिलीवरी के बाद या घर पर हो बेबी को इसमें जरूर रखें इसमें उसको बहुत अच्छी नींद आती है और वो रोते भी ना के बराबर है ये मल्टीपर्पज बैग है आप इसको एज अ बेडिंग रैप स्वेडल कैरिनेस एंड बेड स्प्रेड की तरह यूज कर सकते हैं इस स्लीपिंग बैग में जिप भी लगी होती है जिससे बेबी का डायपर चेंज करने में इजी रहे इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले एक बार वॉश जरूर करें ये एक लॉन्ग लास्टिंग स्लीपिंग बैग है आप इसको आराम से ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं जीरो टू ट्वेल्व मंथ्स तक के बच्चों में आप इसको इजली यूज कर सकते हैं इसमें हाई क्वालिटी फीलिंग होती है और ये स्किन फ्रेंडली भी है और बहुत ही सोबर प्रिंट्स हैं जिससे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं इसका वेट हार्डली 350 फिफ्टी ग्राम्स होता है इसे यूनिसेक्स यानी लड़का या लड़की दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं ये वॉशेबल होते हैं ये वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट है एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट है न्यूबॉर्न बेबी की स्लीप के लिए उसके कम्फर्ट के लिए गाइस इस प्रोडक्ट का परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा और अपने बेबी के लिए प्रोडक्ट जरूर खरीदे थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय